क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जिलाधिकारी संदीप कदम ने बाल कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा चाइल्ड केयर योजना के लाभ से वंचित न रहे, ताकि कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार और न्याय मिल सके और उसकी उचित देखभाल की जा सके। जिलाधिकारी कार्यालय में बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी कदम बोल रहे थे। बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर आरएस फारूकी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुहास भोसले, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी विजय नंदा गवली एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि चाइल्ड केयर योजना के तहत जिन बच्चों ने कोरोना के कारण अपने माता पिता खोए हैं, उनकी मदद के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ऐसे बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तालुकावार, तहसीलवार बाल देखभाल योजना के लिए आवेदन भरा जाना चाहिए। उन्हें आवेदन पत्र भरने में यथा संभव मदद की जाए। साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को होम विजिट कर ये पता लगाना चाहिए कि जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनकी देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं। साथ ही यदि माता पिता दोनों के बच्चों के पास बैंक खाता है, तो उस खाते का उपयोग बच्चे को नामांकित करने में मदद के लिए किया जाना चाहिए। जिले में कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की कुल संख्या 521 है। 50 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है, 465 बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है और 6 बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। ये जानकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी विजय नंदा गवली ने बैठक में दी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।